वेलकम टू द कंसेप्ट इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे इनवर्स ट्रीगोनोमैटिक फंक्शन का डिफ्रेंशिएशन के बारे में इनवर्स ट्रीगोनोमेटिक फंक्शन का कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे देखो जितना भी डिफ्रेंशिएशन है फर्स्ट वीडियो बनाए थे हम लोग उसमें सारे टॉपिक को कवर किए थे यहाँ पे फिर से हम रिमाइंड कर दे रहे हैं और उसके बाद क्वेश्चन को प्रैक्टिस करेंगे देखो सिक्स इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का डिफ्रेंसेशन हम लोग देखे थे जैसे कि साइन इनवर्स का होता था वन बाय रूट अंडर वन माइनस एक्स स्क्वायर कॉस इन्वर्स एक्स का डिफ्रेंसेशन होता था माइनस वन बाय रूट अंडर वन माइनस एक्स स्क्वायर टेन इनवर्स एक्स का डिफरेंसेशन होता था वन बाय वन प्लस एक्स स्क्वायर एक्सेट्रा इसी तरह से सिक्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का डिफरेंसेशन देखे थे जो कि स्क्रीन में है दिख रहा है यहाँ पे सिर्फ हम डिस्कशन कर दे रहे हैं अगर इस वीडियो को फिर से देखना है तो यहाँ पे आई बटन दिया हुआ है यहाँ पे जा करके फिर से देख लेना उस वीडियो को इनवर्स ट्रिगोनोमेटिक फंक्शन का डिफ्रेंसेशन करने से पहले हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है इन सब पॉइंट्स को फिर से मैं रिमाइंड करा रहा हूँ जब हम लोग इन्वर्स ट्रिगोनोमेटिक फंक्शन पढ़े थे तो वहाँ भी ये सब चीज़ पढ़े थे तो यहाँ पे इन्वर्स ट्रिगोनोमेटिक फंक्शन का डिफ्रेंसेशन पढ़ रहे हैं तो उन सब चीज़ों का इस्तेमाल होगा इसलिए फिर से रिमाइंड करा दे रहा हूँ नंबर एक में है साइन इनवर्स एक्स प्लस कोस इनवर्स एक्स बराबर होता है पाए बाय टू और टेन इनवर्स एक्स प्लस कॉड इनवर्स एक्स बराबर भी पाए बाय टू उसी तरह सेग इनवर्स एक्स प्लस कौशेग इनवर्स एक्स बराबर होता है पाए बाय टू और साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई इक्वल टू होता है साइन इनवर्स एक्स रूट एंडर वन माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई इंटू रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर अगर यहाँ पे माइनस रहेगा तो यहाँ पे भी माइनस हो जाएगा उसी तरह से कौश इनवर्स एक्स प्लस इनवर्स वाई का फॉर्मूला है ये उसी फॉर्मूला है टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई बटे वन माइनस एक्स वाई टेन इनवर्स एक्स माइनस टेन इनवर्स वाई करेंगे तो हो जाएगा टेन इनवर्स एक्स माइनस वाई बटे वन प्लस एक्स वाई टू साइन इनवर्स एक्स बराबर होता है साइन इनवर्स टू एक्स रूट अंडर वन माइनस एक्स स्क्वायर टू कॉस इनवर्स एक्स बराबर होता है कॉस इनवर्स टू एक्स स्क्वायर माइनस वन उसी तरह से टू टेन इनवर्स एक्स बराबर होता है टेन इनवर्स टू एक्स बटे वन माइनस एक्स स्क्वायर या अगर साइन के फॉर्म में लेंगे तो ये हो जाएगा साइन इनवर्स टू एक्स बटे वन प्लस एक्स स्क्वायर अगर कॉस के फॉर्म में लेंगे तो ये टू टेन इनवर्स एक्स को लिखेंगे कौश इनवर्स वन माइनस एक्स स्क्वायर बटे वन प्लस एक्स स्क्वायर सब चीज का डिस्कशन हम लोग पहले किए थे फिर यहाँ पे बता दे रहा हूँ उसी तरह से बाकी फार्मूला को यहाँ पे देख लो इन सब चीजों का एक्सप्लेन वीडियो देखना है तो इन्वर्स रिगनोमेटिक फंक्शन का जो वीडियो है उसको जाके देख लो ये आई बटन में भी रहेगा यहां से भी जाके देख सकते हो अब यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट सब्सटीट्यूशन है

तब हम लोग ए टेन थीटा या ए कोड थीटा पुट करेंगे उसी तरह से बाकी सब सब्सटीट्यूशन को देख लो और मैं पहले भी ये सब सब्सटीट्यूशन के बारे में बताए थे तो एक्सप्लेनेशन इसका देखना चाहते हो तो आई बटन में इसका भी वीडियो रहेगा वहां से भी जाके देख सकते हो इनवर्स टिगोनोमेटिक फंक्शन में ये सब चीज़ का हम लोग डिस्कशन किए थे अब हम लोग कुछ क्वेश्चन का प्रैक्टिस कर लेते हैं क्वेश्चन है फाइंड डी वाई डी एक्स मतलब जो फंक्शन दिया हुआ है उसका डिफेंशेशन निकालना है एक्स के रिस्पेक्ट में तो फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है वाई इक्वल टू साइन इनवर्स टू एक्स बट्टे वन प्लस एक्स स्क्वायर तो मान लिए हैं यहाँ पे डायरेक्ट हम सॉल्यूशन किए हैं लेट वाई इक्वल टू साइन इनवर्स टू एक्स बट्टे वन प्लस एक्स स्क्वायर ये दिया हुआ है तो डी वाई डी एक्स निकालना है देखो इसको डी वाई डी एक्स निकालेंगे तो डायरेक्ट फॉर्मूला में बैठा के भी निकालेंगे तो इसका आंसर आएगा लेकिन हम लोग यहाँ पे पुट कर देंगे तब उसका डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो बहुत ही ईजी होगा जैसे यहाँ पे नीचे में है वन प्लस एक्स स्क्वायर तो हम यहाँ पुट करेंगे एक्स इक्वल टू टेन थीटा और थीटा भी पुट कर सकते हैं लेकिन टेन थीटा यहाँ पे पुट किए हैं पुट एक्स इक्वल टू टेन थीटा तो थीटा बराबर हो जाएगा टेन इनवर्स एक्स तो अब यहाँ पे रखेंगे एक्स के जगह टेन थीटा तो वाई इक्वल टू साइन इन्वर्स टू तेन थीटा बटे वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा होगा तो टू तेन थीटा बटे वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा ये फॉर्मूला होता है साइन टू थीटा का अभी देख लेते हैं वहाँ पे तो ये हो जाएगा साइन इनवर्स साइन टू थीटा तो साइन इनवर्स साइन ये कैंसिल हो जाएगा टू थीटा बचेगा तो वाई इक्वल टू टू थीटा हुआ तो वाई बराबर हो जाएगा टू इन टू थीटा थीटा का मान यहां से टेन इनवर्स एक्स तो हो गया वाई इक्वल टू टू टेन इनवर्स एक्स अब इसका डिफ्रेंसिएशन करेंगे dy डी एक्स इक्वल टू 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 कॉन्स्टेंट बाहर हो जाएगा डिफरेंसिएशन से डिफरेंसिएशन ऑफ टेन इनवर्स एक्स तो टेन इनवर्स एक्स का डिफरेंसिएशन हम लोग जानते हैं वन बटे वन प्लस एक्स स्क्वायर होता है तो टू इन टू वन बटे वन प्लस एक्स स्क्वायर बराबर हो गया टू बटे वन प्लस एक्स स्क्वायर यही आंसर हुआ हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दूसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं वाई इक्वल टू टेन इनवर्स थ्री एक्स माइनस एक्स क्यूब वन माइनस थ्री एक्स स्क्वायर तो यहाँ भी हम लोग पुट करेंगे एक्स इक्वल टू टेन थीटा पुट करेंगे तो थीटा इक्वल टू टेन इनवर्स एक्स हो जाएगा तो यहाँ पे सब्सटीट्यूट किया एक्स इक्वल टू टेन थीटा तो वाई बराबर हो गया टेन इनवर्स थ्री टेन थीटा माइनस टेन क्यूब थीटा बट टे वन माइनस थ्री टेन स्क्वायर थीटा ये टेन थ्री थीटा का फॉर्मूला होता है तो ये टेन थ्री थीटा हुआ टेन इनवर्स टेन थ्री थीटा ये कैंसिल होगा तो थ्री थीटा बचेगा अब थीटा का वैल्यू यहाँ फिर रख देंगे जो हम लोग माने थे टेन इनवर्स एक्स तो y इक्वल टू थ्री टेन इनवर्स एक्स हो गया तो इसका डिफ्रेंसिएशन हम लोग करेंगे यानी डी वाई डी एक्स निकालेंगे तो थ्री कॉन्स्टेंट बाहर हो जाएगा डिफ्रेंसिएशन ऑफ टेन इनवर्स एक्स होता है वन बाई वन प्लस एक्स स्क्वायर तो थ्री इन 1 वन बाई वन प्लस एक्स स्क्वायर बराबर हो जाएगा थ्री बटे वन प्लस एक्स स्क्वायर यही मेरा रिक्वायर्ड आंसर होगा और एक क्वेश्चन देखते हैं एनसीआर टी का क्वेश्चन है तो क्वेश्चन है वाई इक्वल टू साइन इनवर्स वन माइनस एक्स स्क्वायर बटे वन प्लस एक्स स्क्वायर तो यहाँ भी पुट करेंगे x इक्वल टू टेन थीटा तो थीटा इक्वल टू टेन इनवर्स x हो गया तो अब यहाँ पे x इक्वल टू टेन थीटा रखेंगे तो y इक्वल टू साइन इनवर्स वन माइनस टेन स्क्वायर थीटा बटे वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा हुआ तो वन माइनस टेन स्क्वायर थीटा वाई वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर होता है सेग स्क्वायर थीटा क्योंकि सेग स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर वन तो सेग स्क्वायर थीटा बराबर वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा तो इसलिए यहाँ वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा के जगह लिखे सेग स्क्वायर थीटा अब इसको अलग अलग कर देंगे तो वन बाय सेग स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बटे सेग स्क्वायर थीटा वन बटे सेग स्क्वायर थीटा होगा कोश स्क्वायर थीटा तो टेन स्क्वायर थीटा बटे सेग स्क्वायर थीटा हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा क्योंकि सेग स्क्वायर थीटा को लिखेंगे कौश स्क्वायर थीटा टेन स्क्वायर थीटा को लिखेंगे साइन स्क्वायर थीटा बटे कोश स्क्वायर थीटा तो कोश स्क्वायर कोशिश स्क्वायर कट जाएगा तो साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा तो साइन इनवर्स कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा हुआ तो अब हम लोग जानते हैं कि कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है कॉस टू थीटा का फॉर्मूला तो यहाँ पे कॉस टू थीटा लिखे अब देखो यहाँ पे साइन इनवर्स कॉस टू थीटा है तो यहाँ पे ये यह कैंसिल नहीं होगा इसलिए कॉस टू थीटा को हम लोग कन्वर्ट करेंगे साइन थीटा में तो कॉस टू थीटा को हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं साइन थीटा में यहाँ पे कॉस टू थीटा को कन्वर्ट करेंगे साइन थीटा के फॉर्म में कॉस टू थीटा को लिख सकते हैं हम लोग साइन पाए बाई टू माइनस टू थीटा

टू इन टू टेन इनवर्स एक्स का डिफरेंस होता है वन बाई वन प्लस तो ये हो गया dy डी एक्स इक्वल टू माइनस टू बाई वन प्लस एक्स स्क्वायर दिस इज रिक्वायर्ड आंसर तो हम लोग यहाँ पे इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का डिफरेंशिएशन पर है नेक्स्ट वीडियो में हम लोग एक्सपोनेंशियल और लॉगरिथमिक फंक्शन का डिफरेंशिएशन देखेंगे ओके थैंक्स स्टे होम स्टे सेफ